वेलकम बैक टू कोडर बॉक्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम ऑटो कैड की उन सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर न्यू ड्राइंग और वी कैन से योर फर्स्ट ड्राइंग, जिसमें इंक्लूडेड है आपका टेम्पलेट्स, ड्राइंग यूनिट को कैसे सेट करें, प्रोफाइल की रीसेटिंग, फाइल फॉर्मेट को कैसे सेट करें। इसके अलावा हम देखेंगे कि कर्सर को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप कर्सर को कलर देना हो या उसका साइज चेंज करना हो, वो सारी चीज़ें जो कि प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि माउस के क्या क्या फंक्शन है, जैसे जूम इन, जूम आउट, पैन ड्रैग, ये हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में जिसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। इसके अलावा हम आज देखेंगे कि कर्सर का कैसे यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन में, क्योंकि हर कैड सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका कई बार चेंज हो जाता है, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले आते हैं टेम्पलेट पे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्टार्ट ड्राइंग जो आपका एरिया है उसके नीचे आपको टेम्पलेट्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे टेम्पलेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो टेम्पलेट ये आपका सेम है जैसे आपका वर्ड या एक्सेल में दिया होता है। आजकल अगर आप वर्ड 2016 या उसके बाद के वर्जन यूज़ करेंगे एमएस ऑफिस के, तो उसमें टेम्पलेट्स आते हैं। तो सेम चीज़ है, टेम्पलेट्स यानी उसमें कुछ चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड होंगी, पहले से बनी हुई होंगी, या कुछ ऑप्शंस है, कुछ सेटिंग्स है, वो पहले से हो रखी होंगी और उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक फाइल फॉर्मेट आपको मिल जाता है। तो इन्वायरमेंट पहले से सेट हो रखा है, ये चीज़ है, तो टेम्पलेट का ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे टेम्पलेट लिस्ट हैं, ए कैड के नाम से जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं उन सब में जो यूनिट सेट होगी वो आपकी इंच में सेट होगी अगर आप यूनिट चेक करेंगे, और ए कैड ISO नाम से जितने भी टेम्पलेट्स दे रखे हैं उसमें जो यूनिट सेट होगी वो आपकी MM में सेट होगी। सो आर्किटेक्चर में फॉर्मेट आपको आर्किटेक्चर मिलेगा, बाकी सब में डेसिमल फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट इस हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो अगर आप सिविल के हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ए कैड पिक कीजिए, ए कैड DWT, और अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ए कैड ISO पिक कीजिए, क्योंकि आपको इसमें एनोटेशन में डायमेंशन जो स्टाइल है उसमें भी ISO फॉर्मेट मिल जाएगा। सो अभी चलिए हम पिक कर लेते हैं एक कैड ISO जो कि पहले से सिलेक्टेड है, और जो आपकी ड्राइंग ओपन होगी वो आपकी ISO वाली होगी। कैसे चेक करना है, यूनिट की एक कमांड है UN Enter जो कि मैं स्क्रीन पर टाइप कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। तो UN Enter और आप यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं कि यूनिट किस में है। तो ये आपका स्टाइल है जो आपकी टाइप दे रखी है, लेंथ टाइप किस फॉर्मेट में यूनिट रीड होगी, और ये आपका एक्चुअल यूनिट है जो स्केल दे रखा है, इंसर्शन स्केल, मिजरिंग स्केल। तो MM हमारी यूनिट है और यहाँ पे डेसिमल में उसे रीड करेगा। वही अगर आप दोबारा स्टार्ट पे जाते हैं और सपोज इस बार आपने टेम्पलेट पिक किया ए कैड, तो ये आपकी ड्राइंग 3 आ गई। फिर अगर आप यूनिट चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेंथ का जो टाइप है फॉर्मेट वो आपका डेसिमल ही है, लेकिन जो स्केल है मेजरिंग स्केल वो आपका इंच में चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से और भी कई सारी सेटिंग्स होती हैं टेम्पलेट में, लेकिन ये बेसिक है और आप चाहे तो यूनिट चेंज कर सकते हैं, तो वैसे डिफॉल्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए कैड फॉर सिविल और आर्किटेक्चर एंड ISO फॉर मैकेनिकल। एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो लास्ट टेम्पलेट जो आपने पिक किया होगा वही ओपन होगा। तो लास्ट टेम्पलेट हमने एक एड पिक किया जिसमें इंच यूनिट थी, अगर मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ तो हमें इंच में वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे चाहिए ISO, तो मैं इसको यहाँ पर अगेन एक एड ISO पिक करता हूँ और ये आपका ISO में आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यूनिट, और ये आपकी MM है। तो ये आपकी ड्राइंग यूनिट है, कमांड आप देख ही चुके हैं UN Enter, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्मेट है कि जो यूनिट है वो किस फॉर्मेट में रीड हो रही है। तो अभी डेसिमल है तो MM, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, जितनी भी वैल्यूज है जो आपके 10 और 100 से डिवाइड होती हैं, 10, 100 और 1000 से, वो सारी आपके डेसिमल में ही यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप आर्किटेक्चर करते हैं तो यहाँ पर आपका इंच और फिट के फॉर्मेट में आ जाएगा फ्रैक्शन के साथ, लेकिन आपको यहाँ पे स्केल भी इंच या फिर फिट रखना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग पिक करते हैं तो इंच और फिट इसमें भी आ रहा है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो आपका डेसिमल हो गया फ्रैक्शन की बजाय, और इसमें सेम चीज़ आपको इंच या फिर फिट में वर्क करना पड़ेगा।
बाकी फ्रैक्शन और साइंटिफिक पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोफेशनल्स के लिए या फिर जो बहुत एडवांस कर्व वगैरह कैलकुलेट करते हैं उनके लिए है, डिज़ाइन में यूज़ नहीं होगा। तो डिज़ाइन में आपका आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड डेसिमल, तो डेसिमल पिक करते हैं, इसको रखते हैं एम एम, और यहाँ से ओके, ये आपकी ड्राइंग यूनिट सेट हो गई। ये आपका प्रिसीजन है कि आप जो यूनिट दे रहे हो, टाइप कर रहे हो, सपोज आपको वैल्यू देनी है 10.2345, तो लेकिन आपका प्रिसीजन सेट सेलेक्टेड है 0.00 पे, तो वो 10.25 को ही कंसिडर करेगा, 4.3 को कंसिडर नहीं करेगा। तो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज आपको देनी है उसी के हिसाब से प्रिसीजन आप यहाँ पे सेट करें। सेम गोज फॉर एंगल, तो ये आपका एंगल की सेटिंग है, एंगल किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपको डिग्री में चाहिए, ग्रेडियन में, रेडियन में, किस में मेजर हो, और प्रिसीजन उसका 10.2 डिग्री, 10.22 डिग्री, तो उसके हिसाब से आप प्रिसीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको इंटरनेशनल ही रहने दीजिए एंड यहाँ से ओके, आपकी यूनिट सेट है। तो यानी अगर आप अभी 9 ड्रॉ करते हैं या कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करते हैं तो वो सारी, सपोज 10 आप एंटर करते हैं 9 की लेंथ, तो 10 यहाँ पे एमएम होगा। सो ये होते हैं आपकी यूनिट। तीसरा आते हैं हम प्रोफाइल रीसेट पे। प्रोफाइल रीसेट क्या है? अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं वर्क करने और वहाँ पे आपको किसी और यूज़र का सिस्टम मिलता है और प्रीवियस यूज़र ने उसमें इंटरफेस में कुछ चेंजेस कर रखे हैं, ऑटो कैड के इंटरफेस में ओके, या कर्जर की सेटिंग में, मोड्स में, यहाँ पे जो स्टेटस बार के मोड्स दे रखे हैं इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रीसेट करने के लिए प्रोफाइल को हम प्रोफाइल रीसेट यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? जो ये आपका व्यू पोर्ट है उसमें कहीं पे भी ब्लैंक एरिया में आप राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शन ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन के बाद आप देखें यहाँ पे कई सारे टैब्स हैं, इसमें आपके पास एंडिंग में प्रोफाइल है राइट साइड, और इसमें आपके पास रीसेट का ऑप्शन है, तो रीसेट पे क्लिक कीजिए, यस कीजिए, तो जो भी प्रोफाइल में चेंजेस हुए होंगे वो आपका रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के सारे मैक्सिमम ऑप्शन सारे रीसेट हो जाते हैं, प्लस स्टेटस बार की जो भी सेटिंग होती है यहाँ पे, जैसे इसमें है ना सारे ऑन ऑफ ज़्यादा हो या जो भी वैल्यूज हैं वो सारे डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं मेरे कर्सर का कलर चेंज हो चुका है, पहले सियान में था, वाइट हो गया है। नेक्स्ट आता है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट क्या है? तो ऑटो कैड का फाइल फॉर्मेट जो है वो आपका ड्राइंग फॉर्मेट होता है .DWG, लेकिन वर्जन के साथ साथ फॉर्मेट आपके चेंज होते हैं, पर ईयर नहीं लेकिन हाँ 3-4 साल में आपके फॉर्मेट अपडेट हो जाते हैं। तो इसको चेक कैसे करेंगे? राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शन पे जाइए, और इसमें आप आ जाइए ओपन एंड सेव पे। ओपन एंड सेव में आप देख सकते हैं फाइल सेव ऑप्शन दे रखा है आपको, और सेव एज में लिखा हुआ है ऑटोकैड 2018, तो ये आपके फाइल के फॉर्मेट है। और अगर आप देखेंगे तो 18 से पहले जो फाइल फॉर्मेट आपका अपडेट हुआ था वो 2013 में हुआ था, उससे पहले 10, उससे पहले 7। सो यानी अगर आपका 2018 में सेव है और फाइल आपने सेव कर दी, तो जो ऑटोकैड की फाइल है वो आपकी ऑटोकैड 2018 वर्जन में ओपन होगी या 18 के बाद न्यूअर वर्जन में ओपन होगी, जो भी लेटेस्ट होंगे, 19 में हो जाएगा, 20 में हो जाएगा, और उसके बाद वन में सब में ओपन होगा, लेकिन प्रीवियस वर्जन में नहीं होगा। तो अगर आप इस फाइल को 2017 वर्जन में ओपन करना चाहते हैं ये ओपन नहीं होगी। तो अगर आप किसी क्लाइंट या किसी और के साथ वर्क कर रहे हैं और आपकी फाइल शेयर हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे पर्सन के पास कौन सा वर्जन है ऑटोकैड का, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फाइल की सेटिंग करनी होगी। ओके, तो अगर आपके पास किसी के पास 18 से प्रीवियस का वर्जन है तो आप 2013 पिक कीजिए, अगर उससे भी पुराना तो 10 या अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 13 करता हूँ क्योंकि 13 के बाद आपको कई सारे पर्सन के बाद 13 ही मिल जाएगा। ओके, 10 बहुत कम पर्सन अब यूज़ करते हैं, 10 जो भी है उससे पहले वाला फॉर्मेट, 13 के बाद आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। एक चीज़ है, अगर इसको अप्लाई कर दीजिए ये आपका सेट हो जाएगा, इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने हर बार फाइल नई फाइल ओपन करी और दोबारा आप चेंज कर रहे हैं, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाय चांस फिर से प्रोफाइल को रीसेट करते हैं तो ये ऑप्शन भी रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोफाइल रीसेट तभी करना है जब किसी और के सिस्टम पर वर्क कर रहे हो। अगर आपका अपना सिस्टम है और न्यू है
लेटेस्ट इंस्टॉल्ड है आपका ऑटोकैड, तो आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हो गया आपका फाइल फॉर्मेट, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये आपका सेट हो गया। तो चलिए इसके आगे हम मूव करते हैं कर्सर के सेटिंग्स पे। तो जैसे मेरे कर्सर का पहले कलर चेंज था, वो आपका अभी वाइट कलर में आ रहा है मुझे। तो कई बार आप ड्राइंग करते हैं तो ऑटो कैड में जाता है, ड्राइंग सारी वाइट कलर में आती हैं बाय डिफॉल्ट। कलर आप चेंज कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट वाइट है। तो अगर बाय चांस कर्सर आपका कभी 9 वगैरह के ऊपर आ जाता है तो दिखाई नहीं देता, अगर कई सारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हो गई उस केस में, तो थोड़ा सा कर्सर का कलर चेंज रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप ऑप्शन पर जाइए, तो ये इसको कहाँ से चेंज करेंगे। सो डिस्प्ले में, डिस्प्ले टैब में कलर पे क्लिक कीजिए, और जो आपका इंटरफेस एलिमेंट है उसमें आप देखिए क्रॉस हेयर, तो क्रॉस हेयर पे जाइए और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दीजिए। अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, आप देख सकते हैं क्रॉस हेयर का कलर चेंज हो चुका है। अगेन राइट क्लिक ऑप्शन, बाकी इसमें क्या सेटिंग है बाकी आप देख सकते हैं डिस्प्ले टैब में ही। राइट साइड में आपके पास नीचे क्रॉस हेयर साइज है, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो इसके जो नेक्स हैं वो आपके साइज में इंक्रीज हो जाएंगे। कर्सर के से रिलेटेड और कौन से सेटिंग्स है, ये आपके सिलेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे आपका पिक बॉक्स है जो आपके कर्सर के बीच में स्क्वायर दिखाई देता है, ये उसकी सेटिंग्स है। और ग्रिप साइज है कि अगर आप 9 वगैरह को पिक कर सकते हैं तो इसके ग्रिप का साइज ये आपको दिखाई देगा, आप इसको भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे माउस और कर्सर से रिलेटेड ऑप्शन है, इसको अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, आपका कर्सर सेट हो गया। नाउ आगे मूव करते हैं कि कर्सर का यूज़ कैसे करना है ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए। तो आते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे। तो अभी हमने ड्राइंग कैसे बनानी है वो नहीं देखी है, ड्राइंग कमांड कैसे यूज़ करें, तो इसको बस देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका ट्यूटोरियल होगा, जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें ड्राइंग कमांड का इंट्रोडक्शन होगा, तो आप फिर वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। सिलेक्शन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग में आपको ऑब्जेक्ट कई बहुत बार सेलेक्ट करने पड़ते हैं, सेलेक्ट डिसलेक्ट कई बार होता है, कॉपी पेस्ट रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और पैटर्न रिपीट होते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए सिलेक्शन आना ज़रूरी है। ओके, सो सिलेक्शन का क्या तरीका है। पहली चीज़, अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो सेलेक्ट होगा जैसे आपका नॉर्मली विंडो में वर्क होता है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है तो उससे रिलेटेड ऑप्शन देगा, ऑब्जेक्ट अगर डीसेलेक्ट है, अगर आप एस्केप प्रेस करेंगे ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, तो उसी के साथ ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्लिक वाले ऑप्शन पर ही आते हैं, तो क्लिक पर अगर मैं करता जाता हूँ, अब इसमें एक चीज़ देखिए कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पहले से सेलेक्टेड है और आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो पहला भी सेलेक्टेड रहेगा और सेकंड भी सेलेक्ट हो जाएगा, जबकि नॉर्मली विंडो में कैसे वर्क करता है कि सपोज आपने एक फाइल सेलेक्ट करी और अगर आप सेकंड पे क्लिक करते हैं बिना कंट्रोल प्रेस किए तो पहली वाली फाइल डीसेलेक्ट हो जाती है, ऑटो कैड में ऐसा नहीं होता। तो इसमें आप क्लिक करते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स आपके सेलेक्ट होते जाएंगे, डीसेलेक्ट करने के लिए एस्केप यूज़ कीजिए, आपका सारा डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बॉक्स सेलेक्शन पे। तो बॉक्स सेलेक्शन पहले विंडो में देख लेते हैं, तो विंडो में आपका बॉक्स सेलेक्शन कैसे होता है, आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखते हैं और कर्सर मूव कराते हैं, आपका बॉक्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड होता है लेफ्ट क्लिक, फिर आप ड्रॉप कर देते हैं और वो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है जो बॉक्स में आ जाता है। तो ऑटो कैड में देखते हैं, तो ऑटो कैड में एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट क्लिक एक बार करना है आप किसी एम्प्टी एरिया पे, और फिर माउस को ड्रैग कीजिए और अगेन लेफ्ट क्लिक, तो दो बार आपको क्लिक करना है, आपको प्रेस करके नहीं रखना अपने क्लिक को। ओके, एस्केप कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लिक, कर्सर मूव कीजिए, सेकंड क्लिक, और ये आपका सेलेक्ट हो गया। तो ये आपका बॉक्स कनेक्शन है। अब एक चीज़ है, अगर आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखते हैं और फिर कर्सर को मूव कराएंगे तो ये आपका आएगा लासो कनेक्शन। ओके, तो ये इस तरीके से शेप बनाएगा अगर आप मूव कराते हैं तो। इसमें सेम चीज़ जो शेप के एरिया के अंदर आएगी वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो लासो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फर्स्ट क्लिक मूव कराइए, सेकंड क्लिक,
ये आपका ज़्यादा इजी रहेगा। नाउ अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे दो डिफरेंट कलर आ रहे हैं। तो अगर मैं कर्सर को राइट साइड मूव कराता हूँ, लेफ्ट टू राइट, तो आपका बनेगा ये कंटिन्यूअस सिलेक्शन। इसकी जो बाउंड्री आप देख सकते हैं वो कंटिन्यूअस लाइन है। अगर आप उसके अपोजिट मूव कराते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी जो बाउंड्री है वो आपके डिसकंटिन्यूअस, आपके डैश वाली लाइन आ रही है। तो यह है आपका डिसकंटिन्यूअस सिलेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप कंटिन्यूअस सिलेक्शन करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बॉक्स एरिया के अंदर कंप्लीटली आए। ओके, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा। अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे बॉक्स को, आप देखिए ये आपका हाईलाइट हो गया और ये आपका सेलेक्ट हो गया। ओके, तो कंप्लीटली आपका बॉक्स में रहेगा, कंटिन्यूअस वाले में तो ये आपका सेलेक्ट होगा। जबकि डिसकंटिन्यूअस में, यानी मैं अगर अपोजिट साइड ड्रैग करता हूँ जो आपका ग्रीन कलर में आ रहा है और डॉटेड डैश वाले आउटर आउटलाइन के साथ, तो इसमें इसका अपोजिट है सेम चीज़। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट बस बॉक्स को टच करना चाहिए और टच करेगा ऑब्जेक्ट आपका हाईलाइट हो गया। आप देख सकते हैं नीचे वाला रेक्टेंगल आपका हाईलाइटेड है और जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ग्रीन वाला है डिसकंटिन्यूअस, उसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ टच होना चाहिए, एरिया को टच कर रहा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कंटिन्यूअस है तो कंप्लीटली बॉक्स में आना चाहिए। ये है आपके माउस के सेलेक्शन, कैसे आपको कर्सर को यूज़ करना है सेलेक्ट करने के लिए। रिक्वायरमेंट क्या आती है, ज़रूरत क्यों है इतना सेटिंग करने की? ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत यूज़फुल है ड्राफ्टिंग करने के लिए। तो सपोज़ यहाँ पे हमारे पास कुछ कोई डायग्राम है, क्योंकि डिटेलिंग होती है, ब्लूप्रिंट्स बनते हैं तो बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है आपको। ओके, और सपोज़ यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, राइट, आपको दिखाई दिया। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे, मजेंटा। ओके, तो आप देखिए कि सपोज़ मुझे अंदर का ही एरिया सेलेक्ट करना हो। ओके, तो या तो ऐसा है कि आप जूम करें और लेफ्ट क्लिक करके एक एक क्लिक करें, ठीक है, तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि ऐसी डिटेनिंग तो बहुत होगी एक ड्राफ्टिंग में, अगर आप ड्राफ्टिंग ओरिजिनल ड्राफ्टिंग की बात करें तो, एक प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग की, तो एक एक चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इसने आपको दो बॉक्स के टाइप्स दे रखे हैं। कैसे वर्क करेगा ये? तो अगर आपको सिर्फ ये मजेंटा वाला लाइन आपको सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे यूज़ कीजिए लेफ्ट हैंड ड्रैग, यानी कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं ऊपर लेफ्ट साइड क्लिक कर रहा हूँ, उसे राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये आपका कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में वही चीज़ सेलेक्ट होगी जो आपकी कंप्लीटली इसमें आ रही है। ओके, तो इसमें सिर्फ क्या सेलेक्ट हुआ, मजेंटा, जबकि आउटर वाली लाइन नहीं सेलेक्ट हुई। लेकिन अगर मुझे सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो मैं इसके अपोजिट मूव कराऊंगा, ग्रीन वाला डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सारी चीज़ें जो भी उस बॉक्स को टच करेंगे वो सब सेलेक्ट हो गए। तो ये आपके सिलेक्शन के टाइप्स हैं और ये बहुत यूज़फुल हो जाता है छोटी चीज़ें और एक्यूरेसी में सेलेक्ट करने के लिए। तो इसको एक बार देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सो डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू गाइस इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।